हेलो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा मनपसंद त्यौहार रक्षाबंधन बहुत ही करीब आ रहा है, तो उसके लिए हमने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बहुत सी बहन जिनके भाई उनसे दूर रहते हैं, वो अपने भाइयों को राखियां कुरियर से भिजवा देती हैं। लेकिन इस साल हम हर साल की तरह वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल हम एक बहुत बड़े पैंडेमिक यानी कि महामारी से जूझ रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना। तो इस साल हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि हर साल हम जाकर मार्केट से राखियां खरीद लेते हैं और फिर उनको कोरियर से अपने भाइयों को भेज देते हैं, तो इस साल ये सेफ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पहले जाकर दुकान से ख़रीदेंगे राखी, वहाँ पे आप दुकानदार से कॉन्टैक्ट में आएंगे या फिर और लोगों से कॉन्टैक्ट में आएंगे जो वहाँ पर राखियाँ ऑलरेडी ख़रीद रहे होंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सेफ नहीं होगी। तो इसलिए इस बार उचित होगा कि आप राखियाँ ना भेजें। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपके भाई वो कोरियर रिसीव करेंगे तो वो कोरियर बॉय के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इसलिए इस बार हम लोगों को ये एक नियम करना चाहिए कि हमें राखियाँ नहीं ख़रीदनी है और राखियाँ नहीं भेजनी है। इस बार सभी लोगों में ये बात फैला देनी चाहिए, ये बात सबको सूचित करनी चाहिए कि ये सेफ नहीं होगा। इस बार हमें वर्चुअल रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इस बार हम अपने प्यार से अपने भाइयों को राखी पहनाएंगे, हम ई राखी पहनाएंगे, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम अपने भाइयों से वीडियो कॉल पे बात करके उनको विश कर सकते हैं रक्षाबंधन और उनको ई राखी पहना सकते हैं। इस साल ये करिए और एक सुरक्षित रक्षाबंधन मनाइए। धन्यवाद।